अब है ना, अब जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ना, हमने फर्स्ट जो मेथड डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन का, उसमें मैंने एक बहुत सिंपल कंसेप्ट बताया था, जिसमें हम लोग मान लो असेट परचेज किया, हमने असेट टू कैश डाली, डिप्रिसिएशन किया, डिप्रिसिएशन टू असेट डाला, है ना। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे, लिखो तुम लोग आज, मैथड नंबर टू, मैथड नंबर टू, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, मतलब अकाउंटिंग करना, और कब अकाउंटिंग करना, जब कंपनी क्या मेंटेन करती है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रही है, ठीक है ना। अब ये इसका कंसेप्ट क्या होता है, देखो समझना, मैं तुमको दो कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने पहले मेथड नंबर वन देखा था, और मेथड नंबर वन के अंदर मैं तुमको बताया था, अपन ने असेट परचेज किया, एंट्री करी थी असेट टू कैश, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, एंट्री करी डिप्रिसिएशन टू असेट, ठीक है, डिप्रिसिएशन राइट ऑफ किया, एंट्री करी पीएनएल टू डिप्रिसिएशन। मान लो असेट परचेज किया 5 लाख का, ये एंट्री करी 5 लाख से, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20 हज़ार का, ये एंट्री करी 20 हज़ार से, राइट ऑफ किया 20 हज़ार का, ये एंट्री भी कर दी अपन ने 20 हज़ार से। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, असेट की कॉस्ट अगर 5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20 हज़ार रुपये, राइट ऑफ भी कर दिया 20 हज़ार, तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द असेट, असेट की बुक्स में वैल्यू कितनी रहेगी, तो क्या क्या बोलोगे कितनी रहेगी, 4,80,000 रुपये। अच्छा, डिप्रिशन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसी तरह मान लो अगले साल तुमने वापस एंट्री करी डिप्रिशन टू असेट, पीएनएल टू डिप्रिशिएशन, असेट की बुक वैल्यू 4,60,000 रह गई, फिर एंट्री ये करी, फिर राइट ऑफ किया, असेट की बुक वैल्यू 4,40,000 रह गई। इस मेथड के अंदर क्या था, धीरे धीरे असेट की बुक वैल्यू कम हो रही है। अल्टीमेट अपना मकसद ये था कि डिप्रिसिएशन को कहां पे पहुंचाना है, पीएनएल में, वो पहुंच रहा था। अब अकाउंटिंग का थोड़ा सा एक नया मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन अब क्या मेंटेन करें, प्रोविजन इज मेंटेन। अब प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम प्रोविजन को बहुत डिटेल में देखेंगे जब टॉपिक रिजर्व और प्रोविजन पढ़ेंगे, तुम सिर्फ इतना समझ लो प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक अमाउंट हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन के नाम का अलग कर दिया। अब एंट्री कैसे होती है, ध्यान से समझना, मैं एंट्री करता हूं, अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ देखना। मैंने असेट परचेज किया, असेट परचेज किया, एंट्री करी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, आई बात समझ में। मान लो असेट परचेज किया 5 लाख का, ये एंट्री करी 5 लाख से, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये एंट्री हुई मान लो 1 अप्रैल 2018 को मैंने असेट परचेज किया, 1 अप्रैल 2018 को मैंने असेट परचेज करने की ऐसे एंट्री कर दी, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2019 को, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू असेट, मान लो 20 हज़ार से कर दी। अब तुम है ना, सिर्फ अभी लॉजिक मत पूछना, सिर्फ अकाउंटिंग एंगल से मेरे को बताना, असेट की बुक वैल्यू कितनी रह गई, आप बोलोगे सर 4,80,000, एग्री करते हो। अब धीरे धीरे असेट की बुक वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब मान लो मैं कंजर्वेटिव पर्सन हूं, कंजर्वेटिव मतलब मेरे को लगता है असेट की बुक में वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर साल असेट कम होता जाता है। कभी आज से मान लो 10 साल बाद कोई बंदा मेरी बैलेंस शीट देखे तो बोलेगा आपका असेट तो 2 लाख ही रह गए, क्या पैसा दूं। तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का अलग मेथड बनाया, और उसको नाम क्या दिया, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, लेकिन कैसे करना है, जब प्रोविजन मेंटेन है। प्रोविजन ध्यान रखना इज योर लाइबिलिटी, प्रोविजन क्या है अपनी लाइबिलिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, एंट्री थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने क्या किया, अभी तुम मेरे को एक बात बताओ, असेट परचेज की एंट्री तो ये की है करी मैंने, है ना, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की थोड़ी सी मैंने एंट्री चेंज कर दी, और मैंने एंट्री इस तरह करी, मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कर दिया मैंने, और यह एंट्री कर दी 20,000 रुपए से,
अब आप मुझसे सिर्फ इतना समझ लो, प्रोविजन अपनी एक लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट अपने को मान लो बाद में करना है, जिसको अपन बाद में यूज करेंगे इस फंड को। हमने एक फंड बना दिया जिसका नाम दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप मेरी बात समझो, मैंने ये बोला असेट परचेज की एंट्री ऐसे करी, डेप्रिशिएट किया एंट्री करी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बोलो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो बोलोगे सर कौन सी कैटेगरी है, एक्सपेंस। और मैंने कहा ये कौन सी कैटेगरी है, लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन को क्रिएट किया, इसको क्रिएट किया। अब हमको पता है जो चीज एक्सपेंस होती है उसको क्या करते हैं, अगर आपका कोई भी कैटेगरी ऑफ द एंट्री रेवेन्यू या एक्सपेंस है तो उसको क्रिएट करके क्या करेंगे, दोबारा क्लोज करेंगे। मैंने क्लोज करने की इसकी एंट्री कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट और टू कर दिया डेप्रिसिएशन, और मान लो ये एंट्री कर दी मैंने कितने से, 20,000। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर ये तीन एंट्रीज तुमको नजर आ रही है, असेट परचेज क्या ये एंट्री करी, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या ये एंट्री करी और ये एंट्री कर दी, तो डेप्रिसिएशन तो क्या हो गया, दोबारा पीएनएल में पहुंचाना था, डेप्रिसिएशन पहुंच गया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इस केस में तुम्हारा असेट क्या बुक वैल्यू पे चलेगा क्या, क्या असेट अपन ने डेबिट किया क्या एंट्री में, नहीं। मतलब असेट किस पे चलेगा, 5 लाख क्या चीज है मेरी, तो असेट किस पे चलेगा मेरी, कितने पे और कौन सा बैलेंस। अच्छा, असेट क्रिएट हुआ, कैश तो पहले से होगा तभी पेमेंट किया, डेप्रिसिएशन क्रिएट किया, डेप्रिसिएशन क्लोज किया, प्रोविजन को क्रिएट किया है, क्लोज किया क्या, नहीं। तो बताओ प्रोविजन बैलेंस दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, प्रोविजन को आपने क्रिएट किया और क्लोज नहीं किया। क्रिएट कैसे करके किया हमने, कैसे क्रिएट किया, क्रेडिट करके कि डेबिट करके, तो क्रेडिट करके क्रिएट किया तो प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी बनी कि असेट बनी, लाइबिलिटी। तो असेट में तो डेबिट बैलेंस है और इसके अगेंस्ट क्या चलेगा, क्रेडिट क्या चलेगा, आई बात समझ में। अब होता क्या था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेथड नंबर वन और मेथड नंबर टू बिल्कुल सेम है, सिर्फ अकाउंटिंग का थोड़ा सा अंतर है। अगर मेथड नंबर वन होता तो आप जो बैलेंस शीट बना रहे थे ना, वह असेट कितना नजर आता आपको, यह मेथड नंबर वन में होता। अगर मेथड नंबर वन होता तो आपको असेट कितना नजर आता, 480। और अगर मेथड नंबर टू है तो असेट कितना नजर आएगा, लेकिन इसके सामने क्या दिखेगा, कितना बैलेंस शीट अगर बनेगी तो असेट 5 लाख, उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है, तो नेट इफेक्ट तो आपका 480,000 है। मेरी बात फिर समझना, सिर्फ एंट्री चेंज करी मैंने डेप्रिसिएशन टू असेट ने डाल के एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ ऐसे कर दिया मैंने। तो मेरे को एक बात बताओ, असेट तो 5 लाख चल रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोविजन कितना नजर आएगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री हर साल रिपीट करेंगे, जैसे अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री रिपीट करते हैं, ये एंट्री हर साल रिपीट करोगे। अब बताओ अगर अगले साल आपने वापस ये वाली एंट्री करी, अगले साल दोबारा एंट्री ये वाली करी, तो डेप्रिसिएशन तो क्रिएट करके दोबारा क्लोज कर दोगे, डेप्रिसिएशन तो 20,000 क्रिएट किया और दोबारा क्लोज कर दिया, और प्रोविजन दोबारा क्रिएट होगा क्लोज नहीं होगा, तो जो प्रोविजन का बैलेंस इस साल 20 था अगले साल 20 और बढ़ेगा, असेट तो एज इट इज रहेगा, तो प्रोविजन कितने पे आ जाएगा, 40। ऐसे ही थर्ड ईयर एंट्री हुई तो प्रोविजन कितने पे आ जाएगा, ऐसे फोर्थ ईयर एंट्री हुई धीरे प्रोविजन बढ़ता जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक और नाम से जानते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अक्यूमुलेट होता जा रहा है। सिंपल कंसेप्ट है, डेप्रिसिएशन तुम ध्यान रखना प्रोविजन लाइबिलिटी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पीएनएल से क्लोज किया, प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी है जिसका कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, आपने एक फंड बना दिया डेप्रिसिएशन के नाम का, और इससे आपका असेट हमेशा किस पे चलेगा, असेट किस पे चलेगा हमेशा, इधर असेट किस पे चल रहा था हमेशा, बुक वैल्यू पे, बस ये डिफरेंस है। लेकिन जब असेट को बेचेंगे तब भी थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन को, ठीक है। तो लिखो तुम लोग,
सबसे पहले फर्स्ट एंट्री लिखना, इसमें पहले पॉइंट लिख लो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, देन प्रोविजन अपीयर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रोविजन अपीयर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड असेट इज कैरीड एट कॉस्ट. ठीक है, अब लिखो अकाउंटिंग एंट्रीज. अकाउंटिंग एंट्री तो लिखो फर्स्ट, फॉर परचेज ऑफ असेट मशीन ले लो. असेट मतलब मशीन ले रहा हूं है ना मैं, मान लो मशीन खरीदी तो एंट्री करो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एंट्री नंबर वन लिख दो. नेक्स्ट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन तो एंट्री लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. नंबर वन एक्सपेंस, नंबर वन लाइबिलिटी. फिर नेक्स्ट फॉर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन तो एंट्री लिखो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन. असेट परचेज पे एंट्री ये होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज पे एंट्री ये होगी और असेट को राइट ऑफ करने की एंट्री ये होगी. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड. Appear on liability and asset at cost on asset side. ये asset की वजह machine कर दो, machine at cost on asset side. Provision का balance credit होगा, asset का balance debit होगा. पता कोई doubt? कंफ्यूजन? कॉपी कर लो फटाफट. ठीक है, आ जाओ बुक में. अब मैं तुमको ना एक कंसेप्ट डायरेक्ट बुक से ही समझाने की कोशिश करता हूं, इसको रब कर रहा हूं है ना. असेट को बेचेंगे तब कैसे एंट्री होगी पूरा मैं बुक से ही समझाने की कोशिश करता हूं एक बार. ठीक है ना, पहले सिर्फ देखना आप लोग, कॉपी सब बाद में करना. पेज नंबर 14.51, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14.51, क्वेश्चन नंबर 14, अनसॉल्व. सिर्फ ध्यान दो इस क्वेश्चन पे. फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रोस. अब ये बैलेंसेस चल रहे हैं रामा ब्रोस की बुक्स में 1 अप्रैल 2016 को. मशीनरी में चल रहा है 80,000 और प्रोविजन चल रहा है 36,000. ठीक है, अब है ना तुम सिर्फ क्वेश्चन देख के मेरे को एक बात बताओ, ये अकाउंटिंग मेथड कौन सा है? प्रोविजन मेंटेन्ड है कि जब नहीं है? मेंटेन्ड है. अच्छा मेरे को बताओ मशीन का बैलेंस बताओ क्या होगा, मतलब क्या डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट और प्रोविजन का क्रेडिट, मतलब प्रोविजन अपनी लाइबिलिटी और मशीन क्या है अपना असेट है. अब सब लोग सिर्फ ध्यान देना, कॉपी बाद में करेंगे है ना. मेरे को 31 मार्च 2017 तक की अकाउंटिंग करनी है. मैं कैसे कर रहा हूं अकाउंटिंग, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझना, कॉपी में मत लगे रहना, मुझे पूरा कुछ समझ नहीं आएगा. मैंने बनाया मशीन अकाउंट,
और मैंने साथ में बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इधर मैंने बनाया कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात, 1 अप्रैल 2016 मैं सिर्फ वही बात बाबर, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, इधर भी सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है नाउ स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को मशीन का बैलेंस 80,000 रुपए, मैं लिखता हूं 1416, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा ऐसे लिखूंगा, गिवन 80,000 तो मैं लिख दिया 80,000, प्रोविजन का बैलेंस लाइबिलिटी है तो यहां लिखूं कि यहां लिखूं, क्रेडिट बैलेंस चलेगा, 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस कितना है बताओ, इसमें कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है अब पढ़ो आगे। इसका मतलब हुआ कि ये एसेट 80 का था, इसके अगेंस्ट कितना प्रोविजन चल रहा है, 36,000 का प्रोविजन है, पढ़ो आगे। ऑन 1 अप्रैल 2016 मतलब इसी दिन, दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹8700, दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2012। अब यहां मेरी पॉइंट ध्यान से समझना, हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हम मशीन को बेच दें, और कितने बेचे, अब मैं ना तुमसे इसको समझाने के पहले एक चीज पूछता हूं, मान लो ये एक मशीन है मेरी, ये इसके दो टायर है, ये मशीन है पूरी, ठीक है, और ये इसका आगे का पार्ट है, मान लो मशीन का, और उसका एक छोटा सा टायर आगे लग रहा है, अभी पूछा सर क्या चीज है, कुछ भी हो तुम तो सिर्फ इस पर ध्यान दो, ये एक मशीन है, इस पूरी मशीन की ओवरऑल कॉस्ट कितने की है, 80,000 की, और इस मशीन, पूरी मशीन के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना चल रहा है, 36,000 का, समझे बात को, मतलब इस पूरी मशीन की कॉस्ट 80,000 की है और इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना चल रहा है, 36,000 का। अब हमने क्या किया, इस मशीन में से एक हिस्सा निकाल के बेच दिया, इस मशीन में से मान लो मैंने ये बोला कि ये वाला हिस्सा निकाल करके बेचना है अपने को मेरी बात फिर समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, इस मशीन में से मैंने ये वाला हिस्सा निकाल के बेच दिया, और वो जो हिस्सा था वो मैंने कितने पे खरीदा था, तो बोल रहे अपने अप्रैल 2012 में, क्या बोल रहे, 1 अप्रैल 2016 को ये सोचा ये हिस्सा बेच दे, और कितने बेचे, 8,000, पूरी मशीन नहीं बेची हमने, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस मशीन में से ये वाला हिस्सा निकाल के बेच दिया, और कितने बेचा, कौन सी तारीख को बेचा, 1 अप्रैल 16 को, इसको बताओ खरीदा कितने में था, और कौन सी तारीख को खरीदा था, मतलब मैंने इस हिस्से को अप्रैल 2012 में खरीदा कितने पे था, मतलब 16,000 क्या थी मेरी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इस हिस्से को अप्रैल 2012 में खरीदा था 16,000 पे, जिसको मैं बेच कितने पे रहा हूं, अच्छा अब तुम मेरे को बताओ, अगर 16,000 पे खरीदा था, 16,000 क्या है मेरी कॉस्ट है, ये क्या है मेरी कॉस्ट है, मतलब ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, तो तुम ये मानते हो जब 80,000 के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना था, 36,000, तो इस 16 के अगेंस्ट भी डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, होगा, और वो जैसे 16 इसमें है तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें होगा भाई, जैसे 16 किसका पार्ट है, ऐसी इसी तरह इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इसका पार्ट होगा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, समझना मेरी बात ध्यान से, मैं ये बोलता हूं मैंने इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा निकाल के अलग कर दिया, मतलब अब मेरे पास में इतना ही हिस्सा रह गया,
ये वाला हिस्सा मैंने अलग कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हो कि इसमें से आपने ये वाला हिस्सा निकाल के अलग किया, तो बताओ मैंने क्या उसका अलग कर दिया, ये कॉस्ट अलग कर दी। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपने इसकी ये कॉस्ट अलग करी तो क्या उसका डिप्रेशन अलग नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? भाई आप जब इस हिस्से को निकाल के अलग कर रहे हो तो वो तो उसकी कॉस्ट है, तो क्या आपको उसके डिप्रेशन को अलग नहीं करना पड़ेगा? अब बताओ, मैं मेरे को पता है क्या 36,000 में कितना डिप्रिसिएशन है, वो क्या पता? तो मैं निकाल लूं, क्यों? मेरे को पता है अपने खरीदा कब था, 12 में। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, बहुत ढंग से समझना। मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ये वाला हिस्सा निकाल के अलग किया, 80 के अंदर कितना वैल्यू इंक्लूडेड है? 16। अगर मैं यहां से 16 अलग करूंगा तो मेरे को इधर क्रेडिट 16 का देना ही पड़ेगा, तभी तो अलग कर पाओगे। अकाउंटिंग कैसे करोगे भाई? ये समझने में तो समझ आ गया। अकाउंटिंग के लिए अगर तुमको यहां से 16 हटाना है तो ये कॉस्ट चल रही है ना, तो यहां से तुमको 16 हटाना पड़ेगा यार। और जो प्रोविजन 36,000 है, इसको क्रिएट कैसे किया था अपन ने? तो अब अगर वो हिस्सा जिसको बेचा उसको अलग करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोबारा, तभी तो अलग होगा प्रोविजन में से भी। समझे बात को? तो अब बताओ मेरे को क्या निकालना पड़ेगा कि इस हिस्से के अंदर डिप्रिसिएशन कितना है वो निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इसको खरीदा कब था? तो अप्रैल 2012 में खरीदा था। आज कौन सी तारीख है? आज 1 अप्रैल 16 है, तो 12-13 का डिप्रिसिएशन लगा होगा। और मेरे को पूरे का निकालना है कि सिर्फ उस हिस्से का निकालना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन का निकाल लो। अब तुम मेरे को बताओ, वो खरीदा कितने पे था? कितने पे था? डिप्रिसिएशन की रेट कितनी है? पढ़ो क्वेश्चन में, रेट कितनी है? मेथड स्ट्रेट लाइन, मतलब पहले साल कितना डिप्रिसिएशन लगा होगा, अगले साल फिर से और फिर से, मतलब बताओ टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है। तो मैं अगर वर्किंग नोट में ये लिख दूं कि टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज जो अभी तक हुआ वो कितना हुआ, आई बात समझ में? अब मेरे को बताओ, अगर इस हिस्से को मैंने बेच दिया तो ये वाला डिप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा मेरे को यहां से, वरना पता चलेगा आपका मशीन तो इतनी रह गई और डिप्रिसिएशन पूरा चल रहा है, तो गलत है ना वो। अब हटाऊं कैसे बताओ? प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए क्या किया था अपन ने, तो बताओ खत्म करने के लिए क्या करें? डेबिट। तो मैं एंट्री कैसे करता हूं? मैंने एंट्री ये वाली तो तुमको बताई थी अभी, फिर ये भी मैंने बताया था अपन ऐसे राइट ऑफ करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं उसको कैंसिल करता हूं, तो मैंने बोला भैया जितना असेट बेच दिया उसको कैंसिल करें। तो मैंने इसी दिन क्या किया, 1 अप्रैल 16 को लिखा टू मशीन कितने रुपए, मैंने वो वाला जितना कैंसिल हो वो यहां डाल दिया। आई बात समझ में? अब मेरी बात समझो, मैंने यहां पे डेट लिखी 1 अप्रैल 16। अगर प्रोविजन फॉर, इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू मशीन, तो यहां पोस्टिंग कैसे करें? एग्री करते हो? अब वो जो 16,000 वाला हिस्सा है, 80 में 16 और इस 16 का डिप्रिसिएशन कितना था, तो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट, ये बुक वैल्यू पे आ गया जो बेचा वो हिस्सा सिर्फ। समझ आ रहा है? मैंने सिर्फ जो असेट बेचा उसका डिप्रिसिएशन कैंसिल कर दिया है, ताकि बैलेंस शीट में नहीं जाए, वो खत्म हो गया ना। कैंसिल करने के लिए अपन ने प्रोविजन क्रिएट क्रेडिट करके किया था, खत्म डेबिट करके किया, जो हिस्सा था उस पर 6400 का डिप्रिसिएशन था। अब आप बताओ 16,000 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो बेचने वाले 80 की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 माइनस दैट इज 10,000 नहीं 9600, ये उसकी बुक वैल्यू है। और आज उसको बेचा कितने पे, तो सेल वैल्यू कितनी है, तो बताओ फायदा है कि नुकसान है, कितने का, 300, 600, 900 का लॉस है। अब अकाउंटिंग वापस नॉर्मल, बाय पीएनएल कितने का, 1 अप्रैल 16 बाय बैंक
बताओ, आई बात समझ में? यस और नो? अच्छा, अब कोई नया सेट खरीदा तो नहीं है अपन ने, और कुछ भी नहीं है अपना? अब मेरे को एक बात बताओ, ये हिस्सा तो चला गया, अब गाड़ी इतनी बची, ठीक है, जितना इस हिस्से पे डिप्रेशन था वो भी चला गया, तो डिप्रेशन भी बचा रिमेनिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस रिमेनिंग वाले पे डिप्रेशन लगेगा नहीं लगेगा? सर हिस्सा लगेगा ना, और लगाने का तरीका तो वही डिप्रेशन टू प्रोविजन, लगाने का तरीका क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू, तो बताओ पोस्टिंग कैसे हुई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, तो यहां एंट्री बाय डेप्रिसिएशन लिखो। अब ईयर एंड में तो मैंने लिखा 31 मार्च 17, लेकिन क्या पूरे पे लगाऊंगा? सिर्फ कितने पे? 80 में से कितना चला गया? 16, तो 64 क्या रेट है? तो कितना? 10% की रेट है, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 64, और ईयर एंड हुआ 31/3/17, टू बैलेंस, तो ये कितना आ जाएगा? समझ में आया? लेकिन ये अब रिमेनिंग का है, ये दोनों सेम है इसलिए मैच हो रहा है, फिगर मैच कर लें इसको, तो है 42/400, ये भी 42/400। अब इधर क्या करें बताओ? ईयर एंड हुआ, बाय बैलेंस 80 माइनस क्या करें तो 64 बचेगा, 80,000। बताओ आया समझ में? कोई डाउट? बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो असेट बेचा उसका डिप्रिसिएशन कैंसिल करना है, फिर रिमेनिंग पर लगाना है, बस कैंसिल करके असेट में लेके चले गए और अपना काम हो गया, ठीक है। अब तुम थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो, एक बार इसको कॉपी करो, मैं वर्किंग नोट लिखवा देता हूँ, ये कॉपी करो पहले फटाफट, मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूँ बोर्ड पे। वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड टिल डेट, आज दिन तक का कितना डिप्रिसिएशन है उस पर, तो डेट ऑफ सेल कौन सी है? 1 अप्रैल 17, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 16, सॉरी परचेज 1 अप्रैल 12, तो 4 ईयर्स का, तो 12 13 13 14 14 15 और 15 16, 1600 1600 1600 और 1600, तो ये टोटल आ गया 6600 रुपये, ठीक है। फिर इसी के आगे बुक वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो बुक वैल्यू ऑन 16,000 माइनस 6600, और सेल वैल्यू ऑन 8,700, तो लॉस 900, ठीक है। ये 2 वर्किंग नोट और बन जाएंगे, कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 15th क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, पेज नंबर अगेन 14.51। पापा सेम पैटर्न है, फॉलोइंग बैलेंसेज अपियर इन द बुक्स ऑफ प्रियंग ब्रदर्स 1 अप्रैल 2017 मशीन अकाउंट, तो मैं बना देता हूं फॉर्मेट, मशीन अकाउंट साथ साथ करते रहो, अब है ना, जब जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप बोल दूंगा, अभी कॉपी मत करो। तो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया एक तो मैंने, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मशीन के साथ एक और किसका फॉर्मेट बनाऊ? पता चल रहा है क्वेश्चन देखते प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन वापस वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट,
ठीक है। अब ध्यान देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन है। अब ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा हुआ है? 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख रुपए, और इधर ओपनिंग बैलेंस कितना चल रहा है? 8 लाख रुपए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2017 इसी दिन दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹5 लाख विच वॉज परचेज फॉर ₹7.5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन असेट सोल्ड, अब तुम लोग सब ध्यान देना, उसको अपन ने बेचा कब है बोलो? 1/4/17। और खरीदा कब था? मतलब डिप्रिसिएशन कितने साल का? 1/4 ये लगेगा। अच्छा, कितने का असेट है? 7.5 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितनी है? 10%। तो 75,000 लगा होगा, 75 और तो टोटल कितना आ गया? और ये 2.25 वाला किसके अंदर इंक्लूड होगा? तो कैंसिल करना है इसको, ठीक है। तो अब क्या करूं, बेचा इस दिन है, इस दिन बेचा है तो आज का दिन ही है वो, ठीक है। तो कैंसिल करें तो 1 अप्रैल 17 टू कितना? 2,25,000। और जैसे ही कैंसिल करोगे, इधर पोस्टिंग करोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2.25। अच्छा, अब मैं निकालता हूं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो बुक वैल्यू कितनी है असेट की? 7.5 लाख पे खरीदा था और डेप्रिसिएशन कितना था? तो बुक वैल्यू कितनी है और बेचा कितने पे? तो 25,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसी दिन बाय कैश या बैंक कुछ भी कर दो 5 लाख, और इसी दिन वापस कितने का लॉस हुआ? 25,000 का लॉस है। देखो, अब सब पता है, लॉजिक समझना। ये कॉस्ट है, इसमें 7.5 लाख है। देखो, 5 + 2 = 25, 7 + 25 = 25, और 7.5 लाख क्रेडिट हो गया, अपना हो गया काम पूरा। 8 लाख में से कितना डिप्रेशन हटा दिया? जो बेचा उसका हटा दिया। अब कोई नया सेट तो नहीं खरीदा? कुछ नहीं खरीदा, तो रिमेनिंग पे डिप्रेशन लगा दे। अब रिमेनिंग कितना बचा? 20 लाख माइनस 7.5 लाख, 12.50। और फिर डिप्रिसिएशन कितना होगा? तो वापस ईयर एंड हुआ 1.25 है ना, और ये ईयर एंड हुआ, तो इधर और लिख लू मैं, नहीं सॉरी यहां नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आएगा वो 31,318 बाय डेप्रिसिएशन 1.25। इधर तो सिंपल 31,318 को बैलेंस आ जाएगा, तो 12.50 टोटल लगा दो 20 लाख। आठ प्लस 1.25 माइनस 2.25, तो 31 मार्च 2018 को टू बैलेंस सीडी 9.25 माइनस 2.25 7 लाख निकाल लो, मैच कर लो, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी करो फटाफट।